अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर्वप्रथम सभी हिंदू धर्म प्रेमियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के चलते अभी 11 तारीख को महानिकुंभरा यज्ञ करवा रहे हैं, जिसमें आदरणीय हमारे गुरु जो काली पुत्र कालीचरण गुरु महाराज के माध्यम से और पूरे धर्म को एक मजबूत कड़ी में लाने के लिए ये महायज्ञ की प्रारंभ चल रहा है। कितनी तारीख को यज्ञ है सर? 11 अप्रैल शाम को 6 बजे से। कहाँ पर होना? ये मयूर पार्क मेंढकी चक वहाँ पर। भाई किस तरह की व्यवस्था यज्ञ के लिए की जा रही है? यज्ञ वहाँ पर यज्ञशाला का निर्माण होगा, फिर सभी अतिथि जो आएंगे उन सबको यज्ञ में आहुति डालने के लिए सबको बैठने की व्यवस्था, और वहाँ पर भजन संध्या वगैरह और वहाँ पर फरियाली खिचड़ी वगैरह का इनका भी आयोजन। क्या आम जनता इसमें अपना योगदान दे सकती है? आम ये तो सब उनके जो भी उनकी सोच है, अगर उनको योगदान करना है तो बिल्कुल करें। आपका शैलेंद्र सिंह पवार, संस्था राम राम। कालिका अगस्तीश्वर निकुंभला महायाग, कालिका अगस्तीश्वर निकुंभला महायाग इस यज्ञ का नाम है। इस यज्ञ के प्रभाव से वैयक्तिक जीवन में सभी प्रकार के दोषों जैसे ना हो और भारतीय सैन्य का सर्वत्र दिग्विजय हो, ये प्रधान उद्देश्य के साथ में हम देवी माँ का यजन करेंगे। देवी माँ की प्रसन्नता के लिए होम करेंगे, काली माँ के लिए। इसमें सभी देवताओं के लिए आहुतियाँ होंगी, विशेष रूप से महामुनि अगस्त्य जी और कालिका परमेश्वरी के लिए विशेष रूप से आहुतियाँ होंगी। निकुंभला भद्रकाली जो परम दुष्टों की संहारक महाशक्ति है, अथर्ववेद में निकुंभला देवी माने ही कालिका परमेश्वरी, उसको प्रसन्न करते हुए हिंदू राष्ट्र के शत्रुओं का नाश हो, भारतीय सैन्य की सर्वत्र दिग्विजय हो, इसके लिए हम ये यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उनको शुरुआत में गिनाए हुए फायदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, उसके लिए यज्ञ होने वाला है। आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी पवार ये प्रधान यजमान है इसके, और सभी हिंदूवादी संगठन इसमें शामिल होंगे। किस दिनांक को है ये? 11 को, अभी 11 तारीख को होने वाला है यज्ञ। शाम को 6 बजे यज्ञ शुरू होगा, 6 घंटे चलेगा, और सभी लोगों से, सभी हिंदू धर्म प्रेमी लोगों से आह्वान करते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल हो। धोती कुर्ता पहनना अनिवार्य है पुरुषों को, महिलाओं को तो भारतीय वेशभूषा में होती हैं, इसलिए उनको कोई विशेष नियम नहीं है। बात भले ही ना करे, काम तो कर रही है। तो अभी क्या साथ सबका विकास रणनीति भी यही बनाई है क्या जी? रणनीति जो आपने बताया, रणनीति नहीं बन पाई अभी हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए, किन्हीं लोगों की होंगी, लेकिन वो स्पष्ट रीति से कोई भी धर्मगुरु इस मामले में बोल नहीं रहा है। राजनीति की बात करने वाला अकेला मैं ही धर्मगुरु हूँ कि राजनीति का हिंदूकरण करो, बाकी सब लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन योजना क्या है, क्या योजना है, किस प्रकार से होगा? मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, राजा अगर हिंदूवादी है तो वो सब प्रकार से कायदे कानून बनाएगा, शिक्षा व्यवस्था का हिंदूकरण करेगा। शिक्षा व्यवस्था ही अगर फालतू का सेक्युलरिज्म सिखा रही है तो फिर निस्संशय सत्यानाश असंभव्य है देश का। क्रिश्चियन बोल रहे हैं पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी की स्थापना हो, मुसलमान बोल रहे हैं पूरे विश्व में इस्लाम की स्थापना हो, और हिंदू बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गाय खाने वाला और गाय पूजने वाला कैसे भाई हो सकते हैं? इसलिए हमें जागना चाहिए और वोटर बैंक बनना चाहिए। मुसलमान 100% वोटर बैंक है, हिंदू 60% से ज्यादा वोट ही नहीं करता, और उसमें भी अपने जात वाला खड़ा है उसको वोट। राजनीति में हिंदूवादी लोगों को भेजने के लिए क्या रणनीति है? आपकी क्या रणनीति है? संतों का क्या मार्गदर्शन? हमारा कर्तव्य हिंदूवादी वोटर बैंक बनाना इतना ही है, हम किसी व्यक्ति को भेजो ये नहीं बोल सकते। हमारा उद्देश्य हिंदूवादी 100% वोटर बैंक, 100% हिंदू जब धर्म के लिए हिंदुत्व के लिए वोट करेगा तो निस्संशय ऐसे ही लोग उच्च पदों पर जाएंगे, विधायक सांसद बनेंगे जो हिंदूवादी है। सुन लो यार, पूरी सुन लो, बीच में दूसरा सवाल मत गुजरना। हाँ, पूरी तरह से अगर हिंदूवादी वोटर बैंक बनता है तो निस्संशय वही लोग घुसेंगे राजनीति में जो हिंदू हित की बात कर रहे हैं, जो त्यागी हैं, जो स्वार्थी नहीं है, वो जो धर्म के लिए काम करने वाले हैं। जी गुरु जी, भाजपा ने तो हिंदुत्व भी सरकार बनाई है, तो क्या भाजपा वापस भटक चुकी है?
हर पार्टी में सभी के सभी दूध के धुले हुए नहीं होते। सब पार्टियों में कुछ अच्छे हैं, कुछ स्वार्थी लोग हैं, लेकिन हमें उन लोगों को ही सपोर्ट करना चाहिए जो हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु जी, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सशक्त नींव की आवश्यकता होती है, और वो सशक्त नींव युवा बाल्यकाल से ही उनमें जो है डाली जाती है। आप एक युवा संत हैं और बाल्यकाल से ही माँ काली की आराधना कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए वो धर्म में आए, राजनीति में आ गया है, उसके लिए हम निरंतर धर्म जागरण सभाओं के माध्यम से यही काम कर रहे हैं, सबको धर्मनिष्ठ बनाने का। धर्म की अभी की रियलिटी क्या है, राष्ट्र की अभी की रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, आंकड़े क्या है, ये बताने का काम मैं कर रहा हूँ धर्म जागरण सभाओं से। और सत्य बताने के लिए मुझ पर 20 जगह से अलग अलग केसेस चल रही है। लोग बोलते हैं फिर दिया कालीचरण ने विवादित बयान, कालीचरण ने फिर जहर उगला। तो जहर उगलना माने क्या? सच बताना माने जहर उगलना, सच बताना ही जहर उगलना है। तो आप भी डालो, मैं तो बोलता हूँ ये बहुत अच्छा लगता है। कालीचरण ने फिर जहर उगला किसके लिए? अधर्मियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए फिर जहर उगला कालीचरण ने, जिसको पी के ये खत्म हो जाएंगे। गुरु जी, अकोला महाराष्ट्र से संपूर्ण राष्ट्र की यात्रा और देवास में विशेष प्रेम आपका, बार बार यहाँ का प्रवास, कितनी ज्यादा प्रभावित है आप यहाँ की युवा शक्ति से? मुझे यहाँ पे जिस व्यक्ति ने लाया अट्टहास पूर्वक प्रयत्नशील, रितेश द्विवेदी जी, और फिर भाई साहब ने अब फिर से मेरे धर्म कार्य को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और यहाँ के युवा निस्संशय मेरे प्रति बहुत ही सेंसिटिव है, मेरे उद्देश्यों को लेकर, मेरे वाक्यों को लेकर, मेरे विचारों को लेकर देवासवासी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग करने वाले हैं। सब क्षेत्र के हैं, लेकिन देवास में बहुत ही ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश में देवास क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेरे विचारों को सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है चामुंडा देवी का स्थान हो और मैं काली माँ का बेटा हूँ, तो देवी क्षेत्र में देवी की बेटी को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर निस्संशय धर्म प्रेम है, क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र चामुंडा टेकड़ी यहाँ पर है। देवास शक्ति है, उसमें एक यज्ञ का एक जो एक प्रारंभ हुआ है, उसमें आगामी आयोजन हो। मेरी तो हर क्षेत्र से, अब यहाँ पर जितने भी विधायक सांसद हैं, हर जिले में एक सांसद और कई विधायक होते हैं, वो सबके सब धर्मनिष्ठ हो। अभी के जो विधायक सांसद हैं वो धर्मनिष्ठ हो, और जो नहीं हैं उनका रिप्लेसमेंट हो, वो बदल जाए, सब दूर के बदल जाए। पूरे भारतवर्ष के विधायक सांसद जो धार्मिक हैं वो बने रहें, जो नहीं हैं धार्मिक उनको जनता बदल देवे। गुरु जी, हिंदू राष्ट्र की कल्पना लेकर नाथूराम गोडसे और नाना आपटे, वो भी युवा थे, जिस प्रकार से आज युवा की टीम है, वो अपने जो